नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज मैं एक्सेल के बारे में या एडवांस एक्सेल के बारे में आपके साथ बातचीत नहीं कर रहा, आज बात करेंगे ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जीरो के बारे में। जी हाँ, ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली वगैरह है, बाकी चीज़ें मेंटेन करते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी ऑनलाइन है, जिसको आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिसको आप सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं, और ये पूरा यूपीआई वगैरह और बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ और हमारे साथ आकृति। तो आकृति, जीरो के बारे में जैसे आपने बोला कि हमें कुछ बताइए, तो सबसे पहले जान लीजिए जीरो जो है एक ऑनलाइन बैंक अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है, या आप इसको वेब एप्लीकेशन कह सकते हैं। जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन में आजकल आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, खाता बुक, ओके क्रेडिट, ऐसे जो एप्स आ रहे हैं, इसी से इंस्पायर है, या ए उससे इंस्पायर हो सकता है। लेकिन ये फ्री नहीं है, वो फ्री है, कुछ चीजें फ्री है, कुछ चीजें लिमिटेड है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम jio.com पे जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ट्राई जीरो फिर फ्री मिलता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको परचेज करना है, इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके अपने अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह डालिए, फिर आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है, कंफर्मेशन मेल डालने के बाद फिर आपके पास एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, एक फ्री अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जाहिर सी बात है, कभी भी हम कुछ करते हैं तो एक फ्री अकाउंट हमें फ्री कुछ दिनों के लिए ट्रायल पे मिलता है, तो ट्रायल पे समझिए की तरह से। तो मेरे पास, मैंने इसको पहले बना लिया था, और ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं एक बार उसी सॉफ्टवेयर से लॉग इन करता अकाउंट आईडी और पासवर्ड डाला और इसको लॉगिन करा। तो बेसिकली मान लीजिए इसका यूज ज्यादातर ऐसे प्लेटफॉर्म पे होता है जहां पे आपका बहुत सारा मल्टीनेशनल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे काम होते हैं, वहां पे होता है। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा ये सॉफ्टवेयर है, तो इसमें पहले क्या क्या सेटअप करना है। सबसे पहले तो मेरा कंपनी नेम हो गया आईपी टेक्स स्कूल्स, उसके अलावा यहाँ पे फिर आता है अकाउंट का, अपना कैश फ्लो वगैरह यहाँ चेक कर सकते हैं, ये कुछ चीजें हैं, चेकिंग वगैरह, इसको डैशबोर्ड कहा जाता है, जो फर्स्ट विंडो आ रहा है इसको हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं, डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे दिखा हुआ भी डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से आप अपने अपनी पूरी की पूरी अकाउंट को एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपना कैश फ्लो देख सकते हैं, नहीं है तो आपको सेटअप करना पड़ेगा अपना कैश फ्लो, कनेक्ट योर बैंक, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली, आप अपने बैंक अकाउंट को डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, आपको कैश का फ्लो जो भी ट्रांजेक्शन आता जाता है आप यहीं से उसको मॉनिटर कर सकते हैं, महीने में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, स्पेंड किए, पूरा यहीं पर कैश फ्लो आपको देख सकते हैं, फोरकास्ट वगैरह सब दिखा देगा आपको यहीं पे कि इस पिछले कई महीने के सेल्स को कंसीडर करते हुए, उसका ग्रोथ देखते हुए अगले महीने, अगले कुछ महीने का ग्रोथ जो है आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं किधर मनी गया है, कहाँ से आया है, कितने आपके एम्प्लॉइज हैं, कितना पे किया है, टाइम वगैरह हर चीज आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है डैशबोर्ड है। उसके बाद हम बिजनेस पे आते हैं, तो बिजनेस में यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैश फ्लो, बिजनेस स्नैपशॉट, इनवाइसेस, तो ये चीज तो बाद में हम बात करते हैं। इनवाइसेस, इनवाइसेस मतलब कि मैंने किसी का काम किया, जैसे मेरी ट्रेनिंग है तो मैंने किसी को ट्रेनिंग किया तो मुझे उसको इनवाइस भेजना है। तो न्यू, आप इनवाइसेस पे जाएंगे, बिजनेस पे जाएंगे, इनवाइसेस पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको इनवाइस क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आता है टू कि किसको इनवाइस करना है। तो जैसे मुझे मान लीजिए करना है रवि, अब इसमें क्या है कि इसमें कॉन्टैक्ट भी आ जाता है, आपने अपने कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव कर रखे हैं, वो भी आ जाता है ताकि उसको मेल चला जाए।
तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड करता हूँ, मान लीजिए रवि कुमार का, ऐड न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे यहाँ पे आता है डेट, किस डेट को करना चाहते हैं, पेमेंट करने का ड्यू डेट। अब ड्यू डेट क्या होता है, जैसे कि मैंने उनको आज बिल दे दिया और मैंने 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है, मतलब कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि भाई कब तक आपको पेमेंट कर देना है। तो मैंने बोला है नवंबर 5 तक आपकी ड्यू डेट है। ये इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, हालांकि आप यहाँ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, पर ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरी पहली इनवॉइस है इसलिए यहाँ पे 1 ईयर बना ऑटोमेटिक होता है। रेफरेंस, अगर कोई रेफरेंसेज है तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेंसी, तो मेरा इंडिया में, इंडिया में होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडिया आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप अपने करेंसी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस दिखा है, प्लस कीजिए, यहाँ पे करेंसी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यूरो, यूरो यहाँ पे ऐड कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइटम, क्या आइटम है, अब आइटम यहाँ से, जैसे कि मैं आइटम में लिखता हूँ एक्सेल, आइटम जैसे कि आपके पास अपने यहाँ पे एक और सिस्टम आता है, यहाँ पे अपने आइटम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आइटम नहीं है तो यहाँ पे ऐड ए न्यू न्यू लाइन भी कर सकते हो, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे आइटम ड्रॉप डाउन भी आता है, न्यू आइटम पे क्लिक करके आइटम लिस्ट भी जनरेट कर सकते हो आपने। तो आइटम लिस्ट से क्या होता है कि आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, आइटम कोड ऐड कर देता हूँ, इसे हमने यहाँ पे कर दिया एक्सेल 75, हाँ एक्सेल 75। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं आइटम नेम एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे यूनिट, एक यूनिट का यूनिट प्राइस क्या 7500 है। सेल्स अकाउंट, किस अकाउंट से सेल हो रहा है, आपका ये अकाउंट टाइप देना पड़ेगा कि क्या है, मतलब कि सेल्स है 200 सेल्स है, अदर रेवेन्यूज है, इंटरेस्ट इनकम है, इक्विटी है, मतलब कि ये जो आप हमारा क्या है, सर्विसेज है, इनकम टैक्स है, पेबल है, ये सारे चीज यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस स्टाइल पे, कंट्री पे, ये सब में अलग अलग होता है। तो मैं 200 सेल्स कर दिया, टैक्स 0%, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड कर, तो इससे इसको यहाँ ऐड करने से फायदा क्या होता है कि जब आप बिल बनाते हैं तो टैक्स वगैरह हर चीज इंक्लूडेड हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर टैक्स डाल दिया कि भाई इक्विटी है या फिर लाइबिलिटीज है या फिर असेस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी हिसाब से टैक्स भी उस कंट्री के हिसाब से टैक्स भी कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं, तो यहां पे ऑटोमेटिकली आ गया एक्सेस 25, यहां से पुट कर सकते हैं, इसका डिफरेंस आ गया, क्वांटिटी आप कर दीजिए भाई, एक है दो है, उसी हिसाब से आपका आ जाता है, उसी हिसाब से अकाउंट भी आ जाता है, डिस्काउंट कोई परसेंटेज है, मान लीजिए हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो यहाँ पे देखिए इनवॉइसेस क्रिएट हो गया। अब इसको मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, बस सब कुछ सेव है, या कोई हिस्ट्री या नोट ऐड करना है, जैसे मैं कर देता हूँ कि प्लीज in my SV ठीक है, सेव कर दिया, ये नोट्स हो गया ताकि इनवॉइस के साथ उसको समझ में आएगा कुछ एडिशनल, मतलब इसके अलावा अगर मैं कोई जानकारी देना चाहता हूं तो उसके बिहाव पे सही रहता है। तो हम इसको अप्रूव पे क्लिक कर दिया, ये अप्रूव हो, अप्रूव हो गया आपके सामने। अब ये आपका चला बिल हो गया, इसमें क्या है कि ईमेल एड्रेस नहीं है, इसमें नो एड्रेसेस, एड्रेसेस पे क्लिक करेंगे तो ईमेल वगैरह डालेंगे, सिटी टाउन वगैरह डालेंगे, ईमेल डालेंगे तो उसमें ईमेल भी हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये डाल दिया अपना, सेव कर दिया, तो वो पर्सन को ईमेल भी होता है, यहाँ पे दिख रहा है ईमेल करना है, ईमेल पे क्लिक कीजिए, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया 2, सब कुछ डाल दिया, सेंड करता हूँ।
तो उस पर्सन को इनवाइस मेल चल जाएगा। इनवाइस मेल चल जाएगा। तो इनवाइस क्रिएट करना मेन वर्क होता है। उसके बाद इनवाइस के बाद अगर पेमेंट आ जाती है तो फिर आपको पेमेंट को भी कंसिडर करना। एक तो इनवाइस मैंने मेल हो गई, आप यहाँ देखेंगे तो अभी मुझे Jio.com से मेल आ जाएगा इनवाइस का। सिस्टम से हैंग तो नहीं होता था, हो सकता है जंग में चला गया। पर्सन में इनवाइस नहीं है चला जाए, उसका टाइम लगता है जाने में, बट इनवाइस चला जाता है। इनवाइस अब वापस हम आते हैं बिलिंग बिजनेस में। मान लीजिए ये हो गया इनवाइस हमने कर दिया, तो जितने लोगों को इनवाइस भेजना है, जो जितना इनवाइस भेजना है वो सारा भेज दिया। और इनवाइस के बाद अगला ऑप्शन आता है पेमेंट, कि आपके पास कितने पेमेंट आए हैं। जैसे ये इनवाइस हमने भेजा था, सेंड कर चुके, दोबारा सेंड कर सकते हैं, सेंड है या लिखा है सेंड है, देखिए मेल भर चुका है। मान लीजिए कि आपने सेंड कर दिया बट नहीं हुआ, अब वो पेमेंट कर देता है, ठीक है, मेल इनवाइस के जरिए पेमेंट, किसी भी तरीके से पेमेंट कर देता है। अगर ऑटोमेटिक पेमेंट अपडेट अगर नहीं हो रहा है तो आप यहां से पेमेंट ऐड कर सकते हैं, भाई डेट ऑफ पे, कि भाई आज ही के दिन इसने क्या हुआ पे, यहाँ पे ऑनर ड्रॉइंग, ऑनर ऑनर फंड इक्विटी क्या है अपने हिसाब से आप में दे सकते हैं, ऑनर शेयरिंग कैपिटल, ऑनर ड्रॉइंग कर दिया हमने, और रेफरेंस नंबर देना है दे दीजिए, और कितना पे किया है, हीरो ये आपका है कितना पे किया है, या पे एक्सचेंज रेट माफ कीजिएगा, ये पे कितना किया, हो सकता है कि हमने 6750 का अमाउंट डाला उसने कम पे किया, तो हम अमाउंट यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एक्सचेंज रेट, क्योंकि मेरा जो अकाउंट सेटअप है वो सेटअप है इंडियन INR के थ्रू, बट हमने उसको यूरो में किया है, तो एक्सचेंज रेट क्या है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, भाई 85 रुपये का एक्सचेंज रेट है, मतलब कि 1 INR इक्वल टू कितने यूरो होंगे, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट आपको डालना पड़ेगा, और इसको ऐड पेमेंट कीजिए। अच्छा इसमें एक्सचेंज रेट तो खुद आ जाएगा ना, नहीं डालना पड़ेगा एक्सचेंज रेट आपको डालना पड़ेगा, खुद नहीं जाएगा। Jio.6 ऐड कर देता हूँ, चलिए ठीक है आ गया। अब जो आप डैश जाएंगे इनवाइसेस देखेंगे, डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, तो ये सारा पेमेंट वगैरह हिस्ट्री जो है यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है, न्यू इनवाइसेस, इनवाइस ऑन टू, कितना हुआ है अभी नहीं आया बट आ जाएगा। उसके बाद ये इनवाइसेस समझ में आ गया, इनवाइस क्या करना है, मतलब आपको इनवाइस जनरेट करना है, सेंड हो, यहाँ पे दिखा पेड स्टेटस, पेड आ गया, ठीक है, तो यहाँ से न्यू इनवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं, न्यू क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नेट कोड क्या होता है पता आपको, जैसे ही हमने पैसा दे दिया इसने पे कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि वो रिफंड चाहता है, वापस पैसा चाहता है, मैंने सर्विसेज हमने पूरा जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया या आधा किया, तो आपको यहां से न्यू क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट आपको सेंड करना चाहते हो एक पर्टिकुलर कस्टमर का कर सकते हैं, डेटा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा पेमेंट हर चीज यहाँ पे, अवेटिंग टू अप्रूवल, अवेटिंग टू पेमेंट पेड, ये फिल्टर है, इसमें क्या है फिल्टर है, ड्राफ्ट में कितने हैं, जैसे ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे आपने अकाउंट बनाया बट सेव नहीं किया, आपने इनवाइसेस बनाया बट सेव नहीं किया, तो ड्राफ्ट में चला जाएगा,
एंड अवेटिंग अप्रूवल मतलब कि आपने सर इनवाइसिस क्यों कर दिए बट उसको अप्रूव नहीं किया। मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला इसकी इनवाइस बना दो पर रुको होल्ड करो इसको भेजना, तो क्या होगा वो अवेटिंग थ्रू अप्रूवल में चला जाएगा। फिर बॉस ने ठीक है उसको भेज दो, तो आपने उसको क्लिक किया और इसको क्या दो वीडियो चल रहा सॉरी म्यूट हो गया। तो यहाँ पे ए हो गया बिजनेसेस में, तो बिजनेसेस में आपने इनवाइस में देख लिया, इनवाइस में दो चीजें नया इनवाइस बनाना और दूसरा क्रेडिट नोट बनाना, राइट। अब यहाँ पे एक इनवाइस में दो चीजें न्यू इनवाइस है और दूसरा है न्यू रिपोर्ट रिपीटेड इनवाइसेस। जैसे मंथली है आपका, मंथली चलता है, जैसे किसी की सर्विसेज आपने ले रखी है उसका 1500 रुपये महीना फिक्स है, तो हर बार इन न्यू इनवाइसेस बनाने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड इनवाइस में जाइए और इसी इनवाइस को कॉपी कर। तो क्या हुआ कि हर बार नया इनवाइसेस बनाने की जरूरत आपको नहीं मिलेगी। कॉन्टैक्ट ग्रुप, मान लीजिए आपके पास 15 कस्टमर है, तो इस कस्टमर में 15 कस्टमर को इसमें ऐड कर लीजिए सारे कस्टमर, ताकि कस्टमर की डिटेल ना लेनी पड़ेगी। तो आपको दो चीजें बनानी है, कस्टमर डिटेल्स एंड अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट डिटेल्स, ताकि व्हील बनाते समय कस्टमर को सिलेक्ट कर लें और प्रोडक्ट को सिलेक्ट। और सेम क्रेडिट नोट समझाया मैंने आपको, स्टेटमेंट मतलब किसी मान लीजिए जो आप एक कस्टमर ने 10 आइटम दिया है तो स्टेटमेंट देख सकते हैं कि क्या स्टेटमेंट है, इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब जैसे कि कोई इनवाइसेस वगैरह जो आपके पास सीवीएस फॉर्मेट में है तो उसको इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे होता है कभी कभी होता है कि हम दूसरे पीसी पे काम कर रहे थे, दूसरे सिस्टम पे काम कर रहे थे, दूसरे अकाउंट पे काम कर रहे थे, तो उसकी पूरी इनवाइसेस को यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं इसके जरिए, हालांकि इसकी नॉर्मल बहुत कम आती है। उसके बाद यहाँ पे कोटेशन होता है, कोटेशन मतलब मान लीजिए कि मुझे लैपटॉप परचेज करने हैं, तो आप कंपनी में जाते हैं तो बहुत सारे बताया जाता है कि ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, तो लेकिन क्या है कि ऐसी चीजें हम नहीं देखते ना, हमसे कोटेशन मांगते हैं, तो मुझे पूरा लैपटॉप का ब्यौरा देता है कि मेरे पास इतने आइटम्स है, ये कॉन्फिगरेशन है, इस रेट पे मिलेंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट भी है इस रेट पे मिलेंगे, तो कोटेशन होते हैं। तो कोटेशंस भी आप यहाँ से जनरेट करके भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को अपनी ट्रेनिंग कोटेशंस भेजनी है, तो मैंने न्यू कोटेशंस पे क्लिक किया और यहाँ पे कस्टमर का नाम या आपने है तो उसमें से निकाल लीजिए, कस्टमर का नाम मान लीजिए लिखता हूं मैं टीना। कोटेशन में तो कम ही होता है क्योंकि कोटेशन मोस्टली नए ही होते हैं, उसके यहाँ पे ए डेट एक्सपायर। अब बोलेंगे सर कोटेशन में एक्सपायर क्या, जब काम दे दे, पर रेट तो चेंज होते रहते हैं ना, तो आपको एक्सपायरी डेट डालना जरूरी होता है कि हाँ 30 डेट, यहाँ पे एक्सपायरी डेट में आप डेट तो सह सकते हैं, बट यहाँ ऊपर में हाइडल होता है कि आप क्या सह सकते हैं। आपको इनवाइस में सेम आता है, नंबर सेम जनरेट होता है, रेफरेंस दीजिए, अपना रुपीज सिंबल कीजिए, तो आइटम डालिए कि यहाँ पे मेरा क्या आइटम है, आइटम लोड हो रहा है, आइटम या प्रोडक्ट आइटम है डाल दिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ अपने आप आ गया। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन डालना है डाल दीजिए, या फिर कोई मान लीजिए एक से ज्यादा को देना है, इनवाइस में सेम होता है, मतलब कि उसने 5 प्रोडक्ट खरीदा है, 5 चीजें की है, तो यहाँ पे ऐड न्यू लाइन कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप उसको सेव कर दीजिएगा तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा, सेंड कीजिएगा तो फिर वो पर्सन को चला जाएगा, यहाँ पे आता है ना सेंड्स का ई मेल आई डालिए भाई हाँ भेज दीजिए IPT। इस तरह से जाएगा मेल उसको, तो मेल वगैरह भी सेट कर देता है। तो ये आपके बिजनेसेस में तो मोस्टली इनवाइसेस कोटेशंस होता है, सेल्स ओवरव्यू होता है, बिल टू पे,
परचेज ऑर्डर, परचेज ओवरव्यू है, यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम हुआ, जितना खर्चा हुआ उसको क्लेम करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपडेट करना है आपको, पे रन होता है, उसके बाद यहाँ इसकी अकाउंटिंग है। अब बैंक अकाउंट वगैरह देखिए, ये तो वन टाइम होता है, जो इसके ऑनर होते हैं वही इसको यूज करते हैं। रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट निकाल सकते हैं, सेल टैक्स रिपोर्ट, कितना सेल्स किए हैं तो कितना टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है, और यहाँ से रिपोर्ट बन किया जाता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट की चार्ट देता है, लिखा जाता है। फिक्स असेट आपके पास कौन कौन से हैं वो यहाँ पे शो कर देता है, कितने आपके असेट्स हैं, तो ये सारे अकाउंटिंग यहाँ मेंटेन आप कर सकते हैं। बाद बाकी बाकी जो चीजें हैं वो कमल जी जो है आपकी जो काम करेंगे, जिसके लिए आप, वो आपको समझा देंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट में आपका कस्टमर कौन कौन से हैं, आपके सप्लायर कौन कौन से हैं, कस्टमर मतलब जिसको आप सेल बेच रहे हैं, सप्लायर जिससे आप परचेज कर रहे हैं, तो दोनों की एंट्री जस्ट लाइक टैली की तरह ही है, बट इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक मेलिंग है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा जाता है, अकाउंट के भी कैश फ्लो वगैरह हर चीज को कॉल किया जाता है। टैली में ये आपके अकाउंट से लिंक नहीं होता है, मैनुअल करना पड़ता है जहां तक मुझे पता है। तो ये चीजें हैं, फिर भी जहां पे आपको दिक्कत होगी मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहूंगा, और आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपको एक्सेल तो आता ही है, बाकी चीजें भी आती हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू।